हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने तिल और मूंगफली से लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। मकर संक्रांति स्पेशल है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं तिल और मूंगफली से लड्डू बनाना। तो उसके लिए देखिए, मैंने तिल लिए हैं, ये एक पाव तिल है 250 ग्राम, और मूँगफली एक कटोरी, देखिए इस कटोरी से मैंने लिए हैं, और थोड़ी से मैंने बादाम लिए हैं ये वाली। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। देखिए मैंने गैस जला के और इसमें कढ़ाई रख ली है, और कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम तिल डालेंगे। हमारी तिल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं तिल। बोले कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसे भूनेंगे। हमें तिल को भून लेना है, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए हल्का, और हल्की हल्की फूल जाए और चमकीला दिखने लगे, बस उतना ही भूनना है। ज़्यादा भूनने से इसमें जो है कड़वाहट आ जाएगी तिल में, इसलिए इसे हमें कम ही भूनना है। बस इसके रंग चेंज हो जाए और सौंधी खुशबू आने लगे, बस इसे हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लड्डू बनती है, बहुत सॉफ्ट लड्डू होती है। जिनके दांत नहीं है वो भी आराम से इस तिल की लड्डू को खा सकते हैं, और ये सर्दी में तिल हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, छोटे बच्चे या बूढ़े सबके लिए बहुत फायदेमंद होती है ये तिल। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से और बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जिससे होगा ये कि मैं जब भी कोई रेसिपी डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगी, और मेरे वीडियो को, मेरी रेसिपी को लाइक करना भी ना भूलें। देखिए हमारी तिल जो है भून चुकी है, इसकी कलर भी चेंज हो गई और ये हल्की हल्की फूली जैसी दिख रही है। देखिए अब इसे गैस बंद करके हम निकाल लेंगे। देखिए अभी कढ़ाई हमारी गर्म है, इसी में हम मूंगफली को भी भून लेंगे। मूंगफली से जब आवाज़ आने लगे पटपट पटपट करके, तो समझेंगे कि हमारी मूंगफली भून गई है, और हम गैस को बंद करके इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे बादाम से आवाज़ आने लगी, इसका मतलब ये है कि हम मूंगफली जो है ये भून चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसके जितने छिलके हैं उसे हम हाथ से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तिल देख रहे हैं आप लोग, जिसे भून के मैंने रखा है, इसे हम मिक्सी में दरदरा पाउडर बना लेंगे। बहुत फाइन नहीं बनाएंगे, दरदरा पाउडर बना लेते हैं। देखिए मैंने तिल का भी पाउडर बना लिया है इस तरह से। इसी तरह से हमें दरदरा रखना है, बहुत फाइन भी इसे नहीं करना है। एक बार मिक्सी चला लेंगे, बस इतना हम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने बादाम लिए थे इसका भी हम पाउडर बना लेंगे, हल्का दरदरा। देखिए मैंने बादाम का भी पाउडर बना लिया है, देखिए इस तरह से। अब मूंगफली का भी पाउडर हम छिलका निकाल के बना लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं इसके आगे क्या करना है। देखिए मैंने मूंगफली के छिलके निकाल के इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने की प्रोसेस में, कि लड्डू किस तरह से बनती है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हम इसमें हम देसी घी डालेंगे। करीब 2-3 चम्मच हम बड़े चम्मच से हम घी डाल रहे हैं। इसमें घी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये लड्डू बन रही है, और घी हमारे शरीर के को बहुत ही चुस्त दुरुस्त रखती है ठंड के मौसम में। आप जब भी लड्डू बनाएं देसी घी में ही बनाएं, बाज़ार के खरीदे हुए घी में बिल्कुल ना बनाएं। और घी को हम अच्छी तरह से अब मेल्ट होने देंगे। ये मेरा घर का बना हुआ घी है,
इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए हमारी घी जो है मेल्ट हो चुकी है। तब हम इसमें क्या करेंगे, जो हम बादाम जो मैंने पाउडर बनाया था उसके पाउडर को अब हम डालेंगे और इसे डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और जो घी मैंने डाला है सिर्फ बादाम को भूनने के लिए मैंने नहीं डाला है, इस जितनी लड्डू मैं बना रही हूँ वो सभी के लिए मैंने एक साथ ही घी डाल दिया है। देखिए हमारी मूंगफली जो है बादाम भून चुकी है, तो इसमें अब हम मूंगफली को भी डाल देंगे। मूंगफली तो भुनी हुई है तो बस इसे हम गैस को सीम कर देंगे अब, और इसमें हम घी में अच्छी तरह से इसको हम मिलाएंगे। गैस को सीम कर देंगे इस समय में, और इसी में हम देखिए तिल को भी मिला देते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। दोस्तों ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये हमारे शरीर को बहुत फायदा भी पहुंचाती है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। ये ठंड में ज़रूर खाना चाहिए तिल और मूंगफली की लड्डू और बादाम की लड्डू, ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है और चुस्त दुरुस्त रखती है। ये बच्चे को भी देना चाहिए, बच्चों लोग को बहुत ज़रूरी है देना तिल गुड़ की लड्डू। अब इसको हम गैस बंद करके हम नीचे उतार लेंगे गैस से और इसे हम ठंडा होने देंगे। देखिए मैंने जो मिक्सर तैयार किया है लड्डू का, ये अब हल्की ठंडी हो चुकी है, तो इसमें अब हम देखिए मैंने एक कटोरी बूरा लिया है। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसे हम अब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे बूरे और इसको तिल और मूंगफली के मिश्रण को। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। इसे हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, अगर ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो इसके लड्डू बनाने में हमें दिक्कत होगी, तो हल्का गर्म में ही हम इसको चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जैसे हम लड्डू बनाते हैं उस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी लड्डुओं को हम बना लेंगे। देखिए मैंने दूसरी लड्डू भी बना ली, इसी तरह हम सब लड्डू को बना लेते हैं। देखिए मैंने सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया है। ये लड्डू कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनी है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी लड्डू कैसी बनी। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।